क्या टूट गया इंडिया? आप और कांग्रेस में नहीं बनी सहमति। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस आप आमने सामने। गठबंधन के लिए छिड़ी बगावत हर एक दिन नया रूप ले रही है। हरियाणा के लिए जारी आपकी पहली लिस्ट इस बात की ओर इशारा कर रही है कि दोनों पार्टियां अंतिम फैसले तक नहीं पहुंच पाईं। यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने 20 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। आपने पहली लिस्ट में कांग्रेस के 11 उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। रोहतक से बिजेंद्र सिंह हुड्डा प्रत्याशी तो वहीं नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह आपके लिए मैदान संभालेंगे। पार्टी ने कलायत से अनुराग ढांडा को उम्मीदवार बनाया है। समालखा से बिट्टू पहलवान, उचाना कला से पवन फौजी और डबवाली से कुलदीप गदराना को आपसे टिकट मिली है। 90 सीटों के लिए होने वाले हरियाणा के इस महासंग्राम में भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, तो वहीं पंजाब को अपने नाम करने वाली आम आदमी पार्टी भी इन चुनाव में कड़ी दावेदारी पेश कर सकती है। शुरुआत में अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी, पर हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन के मूड में नहीं दिखाई दी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कई बैठकें हुई, पर आप और कांग्रेस के गठबंधन को हरी झंडी नहीं मिली। दरअसल लोकसभा 2024 चुनाव में कांग्रेस और आप ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। आम चुनाव में दोनों पार्टियों ने गठबंधन में अच्छा प्रदर्शन किया। हरियाणा में कांग्रेस का आपसे गठबंधन न करने का एक कारण लोकसभा के नतीजे भी हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर जीत प्राप्त की थी। इस 99 सीटों पर मिली जीत ने कांग्रेस को आत्मविश्वास से भर दिया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आपको 3 से 5 सीटें देने के लिए तैयार थी, पर आप कांग्रेस के इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले से सहमत नहीं थी। आम आदमी पार्टी की जारी लिस्ट ये बताती है कि ये सिर्फ उम्मीदवारों की सूची नहीं बल्कि चुनाव में कांग्रेस को कड़ी दावेदारी का न्योता है। आपकी पहली लिस्ट जारी होने के बाद हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रही है। 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बहुत जल्द शाम तक आपको दूसरी लिस्ट देखने को मिलेगी। अभी तक जो भी प्रयत्न हुए गठबंधन के, आपको लगता है कि सफल नहीं हुआ, गठबंधन नहीं होगा? अब चुनाव में समय कितना बचा है, लगातार एक चीजें चली और अब 3 दिन नॉमिनेशन के बचे हैं, तो 3 दिन के अंदर अब सारे उम्मीदवारों को लाइनअप करना है, जो कि स्क्रूटनी हमारी चल रही है। उम्मीदवार हमारे एक एक सीट पे कई कई उम्मीदवार लाइन पे हैं और एक अच्छी मजबूत सशक्त विकल्प आम आदमी पार्टी हरियाणा में देगी। अभी तक जितना लंबा बातचीत की, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को उससे नुकसान हुआ? आपके कई लोग दूसरे पार्टियों में शामिल हुए इस दौरान, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति थी, अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में लड़ेंगे? देखिए, राजनीति में कभी नफा नुकसान के लिए राजनीति नहीं होती। आम आदमी पार्टी एक व्यवस्था बदलने की राजनीति लड़ाई लड़ रही है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे संयम के साथ मैदान पे डटा रहा। पूरी संयम के ही हमने परीक्षा दी और उसके बाद अपने अपने लिस्ट जारी कर। संयम की परीक्षा आपको लगता है कि उसका परिणाम सकारात्मक नहीं आया, आपके लिए सकारात्मक क्या क्या? मैं समझता हूँ हरियाणा के लिए परिणाम सकारात्मक होंगे और हरियाणा से बीजेपी जाए। एक अंतिम सवाल सर, अभी क्योंकि राहुल गांधी ने इसका संकेत दिया था कि गठबंधन होना चाहिए, इसमें संभावना तलाशा जाए, आपको लगता है कांग्रेस के पार्ट की गलतियां रही कि गठबंधन नहीं किया गया? मैं किसी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के अंदर नहीं जाना चाहता। मैं हरियाणा की व्यवस्था को बदलने की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी उसके अंदर कामयाब होगी। आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि पहली सूची में आपका नाम मुझे नहीं है? ये पार्टी का निर्देश होगा। पार्टी मेरी ड्यूटी अगर 90 विधानसभाओं पे लगाएगी तो मैं 90 पे रहूंगा और मेरी ड्यूटी 1 पे लगाएगी तो मैं 1 पे रहूंगा। हरियाणा चुनावों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के पास बाकी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के लिए सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं। बता दें कि अगले महीने 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने हैं। ऐसे में हरियाणा की राजनीति में बगावत के सुर तेज होते साफ दिख रहे हैं। अगर हरियाणा में आपकी दूसरी लिस्ट आती है तो इंडिया गठबंधन के लिए आने वाला समय सही नहीं रहेगा।
आगामी समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और आपके बीच ये तकरार आने वाले चुनाव में दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है। बहरहाल हरियाणा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे और 8 अक्टूबर का समय ही तय करेगा कि हरियाणा की सत्ता में कौन विराजमान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।